हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हर मानव के शरीर में ब्लड पाया जाता है और ब्लड के बारे में बहुत ही कम लोग हैं जो कि ब्लड के बारे में जानते हैं, ठीक है। और हर किसी को जानना चाहिए ब्लड के बारे में कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और हमारा ब्लड जो है अगर ये ग्रुप का है तो हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे हम ब्लड ले सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपको बहुत ही ज़रूरी है, हर एक बच्चों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने लिखा ह्यूमन ब्लड, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं मानव रक्त, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि इसको एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में, ठीक है। अब कहिएगा सर तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? तो देखिए, ये तरल संयोजी ऊतक क्या करता है, बॉडी के हर एक पार्ट को जोड़ करके रखता है। इसीलिए मतलब ब्लड को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसी संयोजी ऊतक को, ठीक है। तो ये ब्लड अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो हर एक अंग आपका जुड़ा नहीं रह सकता है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका शरीर है एक मानव का, ठीक है। मानव का शरीर कैसे जुड़ा रहता है? ब्लड के कारण। अगर ब्लड हटा दिया जाए तो हड्डी गुदा वो सब कैसा हो जाएगा पता नहीं, कहना मुश्किल है, ठीक है। प्राकृतिक कोलाइड भी इसको कहा जा सकता है। कोलाइड कहने का मतलब है थोड़ा गहरा पदार्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बात करें कोलाइड को, कभी आप क्या करिएगा, कभी अगर छानिएगा तो छनाएगा नहीं सही से, ठीक है। वो उसका गाढ़ा पदार्थ भी नीचे गिरने लगेगा, तो थोड़ा गाढ़ा टाइप का पदार्थ होता है कोलाइड, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लिए केमिस्ट्री की भाषा में, चूँकि हम कोलाइड तो यहाँ पर नहीं, इसी कुछ लोग इसको प्राकृतिक कोलाइड भी कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक कोलाइड भी आप ब्लड को बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बात करें, ब्लड का पीएच मान जब नापा गया था तो 7.4 हुआ था, ठीक है, 7.4। अब आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि 7 से अगर कम होता है तो वो अम्लीय होता है, ठीक है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसीलिए क्षारीय विलयन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि क्षारीय विलयन तो यह ही कहे कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 तो उदासीन होता है, जान ही रहे। इसीलिए इसको क्षारीय विलयन भी कह सकते हैं, किसको, ब्लड को, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें सामान्य वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर आप एग्जैक्टली लगभग की बात करें तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है सामान्य वयस्क के मनुष्य में, ठीक है, 5.5 लीटर ब्लड, ठीक है, अब इतना जान लीजिए, ठीक। और 5 से 6 लीटर इसी के बीच में एक मतलब किसी में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये एक एवरेजिंग मापा गया है, ठीक है। तो इतना ही ब्लड होता है शरीर में, ठीक है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 0.5 लीटर ब्लड कम होता है पुरुषों की तुलना में, ठीक है। अब कुछ लोग तो कहेंगे महिलाएँ तो मोटी होती है तो उसमें तो और ज़्यादा ब्लड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, साइंटिफिक रीज़न है कुछ, ठीक है, इसका जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता इन डिटेल, उतना बड़ा वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो महिलाओं में होती है वो 0.5 लीटर ब्लड कम होता है पुरुषों की तुलना में, ठीक है, 0.5 लीटर। जैसे मान लीजिए अगर 5.5 है इसमें तो उसमें 5 होगा, ठीक है, 5 से 6 इस बीच में है इसमें, ठीक है ना। 5.5 इसमें अगर है तो उसमें कितना लीटर होगा, 5 लीटर होगा, किसमें, महिलाओं में, ठीक है। अब बात करते हैं कि रक्त की मात्रा पूरे शरीर का कितना परसेंटेज होता है। तो पूरे शरीर का जो बॉडी का आपका पार्ट्स है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बॉडी में, उसमें से रक्त का जो भार होता है वो 7% होता है पूरा शरीर के भार का, ठीक है। तो रक्त की मात्रा पूरा लगभग जो 7% होता है पूरा शरीर की अगर हम बात करें, तो देखिए अब आपका बॉडी है, मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, तो 60 किलो का 7% जितना होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, ब्लडवा होगा, रक्तवा होगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ ही गए कि पूरा शरीर में मान लीजिए आप 60 kg के हैं, ठीक है, तो 60 kg में कितना वजन आपका ब्लड का हो सकता है, उस 7% के हिसाब से निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं ब्लड के कार्य, इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य है लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, ठीक है। देखिए, बॉडी में ताप का नियंत्रण करना, जैसे बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखता है ब्लड। टेम्परेचर देखते हैं अप डाउन होता रहा है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड आता है एकदम स्पीड से और जाता है, मतलब ब्लड का संचरण होते रहता है पूरे शरीर में, ठीक है। तो ये जो ताप का नियंत्रण करता है बॉडी में, ये जो किसके द्वारा होता है, तो ये ब्लड के द्वारा ही होता है, ठीक है। और आपको बता दें, इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा काम करता है हमारा ब्लड, ठीक है। क्या काम करता है सर? तो गैसों का परिवहन भी करता है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि हर मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो ऑक्सीजन लेने का मतलब गैस का परिवहन भी इसके द्वारा होता है, O2 का लेना और CO2 का छोड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हर एक मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इंसान क्या होंगे, बहुत ही जल्द टपक जाएंगे, मतलब ऊपर चले जाएंगे, क्या, अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको खाना नहीं दिया जाए 24 घंटा तो आप बच सकते हैं, ठीक है, किसी तरह बच जाइएगा, पानी से भी बच सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन हर क्षण चाहिए। तो
गैसों का परिवहन भी करता है, O2 को लेना और CO2 को छोड़ना। अपनी भाषा में लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, अपना भाषा है, ठीक है। शरीर में घावों को भरना, अगर मान लीजिए आपके शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो घाव भरने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो घाव जैसे होता है शरीर में, आप लोग जानते होंगे, तो ये भी ब्लड का काम ही है, शरीर में घावों को भरना। घाव को बहुत जल्दी भर देता है कौन? हमारा ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड का ही उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन। उत्सर्जी पदार्थ जैसे खराब पदार्थ शरीर में बनता है, उसका भी परिवहन संवहन इसी के द्वारा होता है। और हार्मोन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो उतना डिटेल अभी हम हार्मोन के बारे में इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों का संवहन भी, उत्सर्जी पदार्थ का भी और हार्मोन का भी संवहन इसी के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें, ब्लड है हमारा ना, ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती है। कहिएगा सर क्या क्या पाई जाती है? तो एक तो प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा हम लोग कहते हैं ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। पूरे ब्लड का 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और ब्लड कार्पसल्स जो होता है वो 40% भाग होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। तो रुधिराणु 40% होता है और प्लाज्मा कितना होता है? 60%। अब आप कहिएगा सर ये क्या हुआ? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक तरह से इतना से समझ लीजिए कि जो प्लाज्मा होता है ना, वो एक तरह से मतलब जैसे यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, शरबत आप कभी पिए होंगे तो शरबत में क्या होता है? कुछ ठोस पदार्थ भी होता है और कुछ लिक्विड भी होता है, ठीक है, द्रव भी होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए शरबत में ठोस पदार्थ भी और लिक्विड भी है, तभी शरबत बना है। उसी तरह से ब्लड में भी ठोस पदार्थ भी है और लिक्विड भी है, ठीक है। तो जो लिक्विड वाला भाग है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब ये 60% भाग होता है प्लाज्मा, मतलब ये लिक्विड वाला भाग, ठीक है। और जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं वो 40% होते हैं, जो कि ठोस वाला भाग है, ठीक है। तो ये दोनों ही मिल करके हमारा ब्लड बना हुआ है, ठीक है। क्या क्या? तो प्लाज्मा और रुधिराणु। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन कितना परसेंट पाया जाता है, तो प्लाज्मा 60% भाग है पूरे ब्लड में और 40% भाग किसका है? रुधिराणु का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड ग्रुप को। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ था। ब्लड इसका खोज जो है लैंड स्टीनर, ठीक है, लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, ठीक है। लैंड स्टीनर एक नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने 1900 ईस्वी में किया था। पहले ब्लड ग्रुप के बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। 1900 ईस्वी में किया था, इसलिए उसे 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। मतलब नोबेल पुरस्कार उसको इसलिए मिला कि उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ठीक है। अब आपको बता दें कि मानव के शरीर में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ये चीज़ आप पहले जान लीजिए। तो टोटल 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप है। कहिएगा क्या क्या सर? तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपका देखिए 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। पहले तो ओ पॉजिटिव, उसके बाद क्या प्लस वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, यहाँ लिख भी दिया, और माइनस वाले को बोलते हैं निगेटिव। तो ओ पॉजिटिव, उसके बाद ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। और यही चीज़ निगेटिव में भी होता है, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 8 प्रकार का होता है, 4 है 4 माइनस वाला, 4 प्लस वाला, ठीक है। मतलब 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, ठीक है, आप समझ चुके हैं। और अब आपको बता दें कि ओ जो होता है ना, ओ ग्रुप जो है, ओ ग्रुप जिसका भी है उनको कहते हैं सर्वदाता। मतलब सबको वो ब्लड दे सकता है, किसी को भी दे दो चलेगा, नहीं अरे कौन सा ब्लड ग्रुप है ओ, ला 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 किसी को भी दे दो, नहीं समझे, किसी को भी दे सकते हैं, सर्वदाता उसको बोलते हैं। और ए बी वाला जो ग्रुप है उनको बोलते हैं सर्वग्रही। कहिएगा ये क्या हुआ सर? तो सबका ग्रहण करता है, ये बेवकूफ़ ब्लड ऐसा है जो कि सबका ले लेगा, देना नहीं चाहेगा किसी को, सिर्फ अपने आदमी को देगा, किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ सबका ग्रहण कर लेगा, सर्वग्रही मतलब ए बी सबका ब्लड ले लेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी देखिए कुछ और बातें आपको समझना है, ठीक है। ब्लड ग्रुप में पूरा ये आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा कौन किसको दे सकता है। आप मेडिकल भी जाइएगा, डॉक्टर के पास भी जाइएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड देगा, ठीक है। जो याद रखिएगा, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है वो सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है, निगेटिव को वो कभी भी नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा ये चीज़ों का, ठीक है। लेकिन जो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है वो दोनों को दे सकता है। मतलब निगेटिव वाला क्या है कि दोनों को दे देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला बड़ा होशियार है, वो क्या करेगा कि अपने खाली रखेगा, निगेटिव को नहीं देंगे, जाओ तोरा नहीं देंगे, ठीक है, तोरा देने वाले ही नहीं है। तो क्या करेगा पॉजिटिव वाला, क्या करेगा पॉजिटिव वाला, सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा, मतलब सिर्फ अपना आदमी को चाहेगा, निगेटिव वाले को नहीं चाहने वाला, ठीक है। लेकिन बेचारा निगेटिव वाला सबको देगा, नहीं इतना दयामान है निगेटिव, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कौन किसको ब्लड देगा, ठीक है, कौन किसको ब्लड देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए पहले, ठीक है ना। जो ओ पॉजिटिव है, हमने जस्ट अभी ऊपर में ही लिख दिया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला किसी को नहीं दे सकता, तो ओ पॉजिटिव वाला सबको देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला को, ये चारों को दे सकता है। मतलब देखिए किसको किसको, यहाँ पर हम लिख दिया ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये चारों को दे सकता है, सिर्फ निगेटिव वाला को नहीं देगा, मतलब टोटल को।
लेकिन वो निगेटिव वाला बेचारा जो है बहुत ही दयावान है, क्या करेगा, सभी को देगा, आठों को दे सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सबको ब्लड दे सकता है, निगेटिव पॉजिटिव हर एक को, तो वह सर्वदाता है ओ निगेटिव, मतलब ओ निगेटिव। ओ पॉजिटिव तो सभी को देगा लेकिन पॉजिटिव में ही, ओ निगेटिव क्या करेगा, सबको दे देगा बेचारा, बताइए। ठीक है, तो आपने समझ लिया, सभी ब्लड सभी ग्रुप को दे सकता है, कौन, हमारा ओ निगेटिव। लेकिन अगर हम बात करें मेरे दोस्त ए पॉजिटिव का, तो ए पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव तो किसी को नहीं देगा। देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पॉजिटिव ब्लड लिखे हैं जो जो, ठीक है, वो सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड देगा, निगेटिव को नहीं। तो पॉजिटिव ब्लड समझिए ये किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है। और आपको हम क्या लिखा दिया कि ए बी जो है सर्वग्रही है, सबका ग्रहण करता है। तो इसमें याद रखने वाला कौन सा बात है, ए पॉजिटिव है तो खुद को देगा और सर्वग्राही को देगा, मतलब ए बी तो सबको देता है, मतलब कहने का मतलब ए बी तो सबका लेता है तो सर्वग्राही, ठीक है, तो ए बी को देगा, दो को देगा। अब ए निगेटिव वाला जो है वो क्या करेगा, मतलब ए पॉजिटिव को भी देगा और ए भी पॉजिटिव को और निगेटिव को भी देगा, सॉरी यहाँ निगेटिव निकलना है, ठीक है। तो निगेटिव देखिए, निगेटिव वाला क्या करेगा, ए निगेटिव वाला पहले तो खुद को देगा, खुद को दिया, ठीक है, और ए भी तो सब का लेगा, ठीक है, सब का लिया, और पॉजिटिव वाले को भी देगा और निगेटिव वाले को भी देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए भी तो सब का लेता है सर्वग्रही, ठीक है, और खुद को देगा और ए भी को देगा, पॉजिटिव में भी निगेटिव, बेचारा निगेटिव वाला परेशान, सबको देगा, ठीक है। अब देखिए जो बी पॉजिटिव है तो खुद को देगा और ए भी को देगा, ए भी तो सब का लेने वाला है, ठीक है, तो देखिए दो ही को दे रहा है, एकदम याद रखना बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए। वही अगर हम बात करें बी निगेटिव की, तो निगेटिव वाला को तो देगा ही, ठीक है, ए भी तो सब का ले रहा है और बी बी को भी ले, बी तो खुद को देगा ही, ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, बी प्लस को भी देगा और ए बी माइनस सॉरी प्लस को भी देगा, मतलब बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी पॉजिटिव को भी देगा और बी निगेटिव और ए बी निगेटिव, मतलब निगेटिव वाला बेचारा परेशान, पॉजिटिवों को दे रहा है और निगेटिवों को दे रहा, ठीक है, लेकिन बेचारा को ले नहीं सकता है वो, ठीक है, दे भले सकता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ए बी जो ए बी पॉजिटिव है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा ब्लड, हे प्रभु दया करो प्रभु, जो ए बी पॉजिटिव वाला है वो सब का ले लेगा, सब का ले लेगा, लेकिन देगा सिर्फ किसको, ए बी पॉजिटिव को ही, हे भगवान दया करो, ठीक है, मतलब ये देगा किसी को नहीं, ठीक है, क्या करेगा, सही, मतलब सिर्फ ले लेगा सबका लेकिन देगा किसको, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को, मतलब ए बी अगर आपका ए बी पॉजिटिव है तो ध्यान रखिएगा आप सबका ब्लड ले लीजिएगा, ठीक है, सबका ग्रहण कर लीजिएगा, लेकिन दीजिएगा किसको, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को। लेकिन ए बी निगेटिव अगर आपका है तो ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं और ए बी निगेटिव को आप दे सकते हैं, ये सब ग्रुप है और ये सबको ये दे सकता है, ठीक है, ये सबको ब्लड, ठीक है। तो आपने समझ लिया है कि कौन किसका ब्लड दे सकता है, कौन ले सकता है, ठीक है, एकदम आराम से अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा, बस बिल्कुल आसान है याद रखना, ठीक है। ए बी देखिए यहीं से आपको याद आ जाएगा कि ए बी सर्वग्रही है, यहीं से आपको पता चल जाएगा, तो ए बी सब में है, ठीक है, ए बी। और वो निगेटिव क्या है कि ये सभी को ब्लड दे सकता है, मतलब सबको, वो निगेटिव सर्वदाता है, सबको देगा, और ए बी जो है सर्व का लेगा, सब का लेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने फाइनली समझ लिया है ब्लड ग्रुप को, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।